देखिए क्या करके गई है परी। देखिए दोनों देवियां आ चुकी हैं हमारे घर पर, इन्हें चैन नहीं है। और नहीं तो क्या, क्या बात, भीगा तो नहीं? नहीं नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सुबह हो चुकी है, मैं उठी हूँ और बाहर देखा तो बहुत तेज बारिश हो रही है और युवराज को स्कूल भी जाना है, तो उसके लिए मैं फटाफट से टिफ़िन उसका पैक करती हूँ, कुछ किचन में जाके फटाफट से बनाऊँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड लाइफ फॉर युवराज। जैसे कि मम्मी ने स्टार्टिंग करी दी थी व्लॉग की, सो अभी मम्मी मेरे लिए लंच प्रिपेयर कर रही हैं, सो देखते हैं क्या बन रहा है आज लंच में। अरे वाह, सैंडविच बन रहा है मम्मी, किस चीज़ का? ये है, इसके अंदर वो पत्ता गोभी है, सब्जियाँ वगैरह, मेयोनीज, हाँ, चीज़, अच्छा लगता है मतलब। हाँ, सो गाइज ये अभी हम लेके जाएंगे लंच में, मम्मी व्लॉगिंग करेंगे आज, और आज मैं फ़ोन घर छोड़ के जाऊँगा। तो दोस्तों युवराज तो स्कूल चला गया है और अब मैं उसके पापा के लिए कुछ सुबह सुबह थोड़ा सा स्नैक्स लेते हैं, दूध और मखाने खाली पेट, तो उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज वो घर पर ही है, युवराज आज अपने स्कूल बस से स्कूल गया है, तो आप मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये मेरे पतिदेव के लिए सुबह सुबह का स्नैक्स। दोस्तों युवराज स्कूल जा चुका है और इनको मैंने दूध मखाने दे दिए हैं और अब मैं पहले जाती हूँ नहाने, फिर नहाने के बाद तैयार होकर आपसे मिलती हूँ, फिर बाकी सारे घर के काम होंगे। बाय। तो दोस्तों मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और अब बनाना है ब्रेकफास्ट अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, क्योंकि आज ये घर पर है, बारिश हो रही थी तो कह रहा था थोड़ा लेट जाऊँगा, देरी से जाएंगे अपने काम पर, तो चलिए बनाते हैं इनके लिए ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स सारा काम निपटाने के बाद अब मैंने फ्रूट्स काटे हैं अपने लिए, फ्रूट्स क्या पपीता काटा है, अपने हस्बैंड को भी दिया है, अब मैं खा लेती हूँ, इसके बाद फिर देखती हूँ कुछ और काम निकल के आता है, तो घर के काम तो कभी ख़त्म होते नहीं हैं, तो देखते हैं आगे क्या करती हूँ। A few moments later. तो दोस्तों अब जो है दिन के लंच की तैयारी करती हूँ और आज सोच रही हूँ कि लंच में मैं कढ़ी चावल बना लूँ, तो घर में दही भी है तो, और युवराज को कढ़ी हमारे बहुत पसंद भी है उसे, और उसे हम सब लोग ही मतलब अच्छे मतलब खुश होकर खाते हैं, तो कढ़ी चावल बनाती हूँ आज, तो करते हैं तैयारी कढ़ी चावल बनाने की। भी खाना निपट चुका है, सारा कुछ बर्तन बर्तन सब कुछ हो गए हैं, अब अकेली हूँ, फ्री हूँ, तो सोचती हूँ कि अपने थोड़ा मेरा मेकअप का सामान और मेरी ज्वेलरी वगैरह मैंने रखी हुई थी अलमारी में। अब कुछ दिन पहले परी आई थी, जो कि आपको पता है मेरी बहन की बेटी है, आपने युवराज के ब्लॉग्स में उसको देखा होगा, मैं अपने दूसरे रूम में थी और वो यहाँ पर लगी हुई थी अपने तैयार होने में, मेकअप शेकअप करने में, तो और सब कुछ फैला के गई हुई है। अब मैं सोच रही हूँ कि चलो इस समय मेरे पास टाइम है तो मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ अलमारी को और चीज़ों को ठीक से रखती हूँ। देखिए क्या करके गई है परी, सब कुछ तहस नहस, कोई भी चीज़ ठीक तरीके से नहीं रखी हुई है। अब मैं इसे समेटती हूँ, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों देखिए अब मेरी पूरी अलमीरा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है, हर चीज़ जगह पर है बिल्कुल तरीके से, अब कुछ भी अगर मुझे सामान की ज़रूरत होगी तो वो मुझे इजीली मिल जाएगा, मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अपना जो डेली रूटीन का जो मैं डेली बेसिस पे अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, जैसे लिपस्टिक है मेरा, काजल है और सिंदूर, बिंदी और छोटा मोटा सामान, वो मैं इसमें रखती हूँ ऑर्गेनाइज करके,
तो इसमें भी सब हौच पौच हो रखा था, तो आज मेरे पास टाइम है तो मैं सोच रही कि आज इसे भी अच्छे से थोड़ा सा मैनेज कर लूँ चीज़ों को, तो इजीली मुझे चीज़ें मतलब ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, आराम से मुझे मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। ये देखो दोस्तों, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, पिंस हैं, क्या हाल हुआ पड़ा है इनका। और जब ज़रूरत होती है इनकी तब मिलती नहीं है, तो मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है तो मैं आज सारा कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। इनमें से टिक टैक क्लिप्स अलग बॉक्स में डाल दूँगी, ये बॉक्सेस रखे हैं मैंने ये, और ये है जैसे मेरे पास बाउल पड़ा हुआ है, और ये मेरी सेफ्टी पिंस के डिब्बे हैं, ये बड़ी साइज़ की हैं, इसमें इसमें छोटी हैं, तो मैं सब इसमें से ढूंढ करके सबको अच्छे से सेलेक्ट करके इनमें डाल देती हूँ, और मेरा सब कुछ जो है अच्छे से मैनेज हो जाएगा, और मुझे जब जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो इजीली ये मुझे मिल जाएंगी। हेलो दोस्तों, आप भी कह रहे होंगे आज ये क्या सब कर लेके बैठी हुई है, सामान सब बिखेरा हुआ है, फिर उसे ये सब कर रही है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सामान अगर यूँ ही हौच पौच पड़ा रहे तो हमें चीज़ें टाइम पे मिलती नहीं है। तो काफ़ी टाइम से मेरी कुछ हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, चीज़ें यूँ ही बिखरी पड़ी हुई थी। तो अब मैं कुछ ठीक हूँ और अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा अब मैं अपनी चीज़ों को अच्छे से तरीके से ऑर्गेनाइज करूँ। A few moments later. देखिए दोनों देवियाँ आ चुकी हैं हमारे घर पर, ये इन्हें चैन नहीं है, या ये हमारे घर या हम इनके घर, यही चलता रहता है। आ जाओ, है युवराज भैया, युवराज भैया आने वाला होगा रास्ते में, अच्छा है स्कूल में वो, स्कूल से आने वाला होगा। दोनों मुझे भी दे दो, मैं भी व्लॉगिंग करूंगी। देखो कैसे कूद रहे, मेरे घर की हालत देखो, कैसे मेरा बेड था, अब क्या इसकी हालत हो जाएगी, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा घर तहस नहस हो जाएगा इन बच्चों से। ये क्या करें इनके लिए। आ रही हूँ आ रही हूँ, रुक जा, आ गया कैमरा। और नहीं तो क्या, क्या बात, भीगा तो नहीं? नहीं नहीं, और इसी बात में बस आया। अच्छा अच्छा, आज आप मेरे साथ चैलेंज करो। और थकान होगी होगी? नहीं आज नहीं हुई, ट्यूशन जाना है। हाँ अभी जाना है, चल मैं खाना लगाती हूँ तेरे लिए। तो भाई अभी तो फिलहाल अभी हम लंच वगैरह कर रहे हैं, स्कूल से आ गया था, अभी जा रहा हूँ मैं ट्यूशन, सो चलते हैं। तो गाइस अभी तो फिलहाल मैंने चाय वगैरह लंच वगैरह कर लिया था, तो अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, सो चलते हैं। सो गाइस अभी तो फिलहाल मैंने अपने ट्यूशन और टाइगोंडो क्लास कम्प्लीट करके मैं मौसी के वहाँ आ चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ, कल हमको कहीं जाना है मौसी और हमको, है मौसी, सो उसका एक सस्पेंस रखेंगे अभी हम, सो उसके लिए मुझे जरा थोड़ा अपना हेयर कट वगैरह सही करना है, मतलब करवाना है। हाँ आपको नहीं पता? अरे मैं तो ऑयलिंग कर रखी थी बालों में, अभी तो मैंने हेयर वॉश भी नहीं कर रखा। सो अभी हम आपको ये सस्पेंस हम कल खोलेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, मौसी के मुँह से हम खुलवाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, सो चलते हैं। तो गाइस मैं मौसी को बाय बाय करता हूँ, और मौसी कुछ कह रही थी अभी, कुछ नहीं अब कल मिलते हैं। हाँ मौसी नमस्ते, मौसी के पैर सबको रट जाएंगे, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो भाई चलते हैं अब हम। That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down. तो भाई अभी तो मैं घर को निकल रहा हूँ, और अभी रास्ते में हूँ, सो मिलता हूँ कि मैं घर जाकर मौसम कितना बढ़िया हो रहा है दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो, टू शेड्स आ रहे हैं यहाँ पर क्लाउड्स में, मैं जिस साइड डार्क है उस साइड मेरा मेरा घर है, तो मतलब मेरे घर की साइड बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम हो रखा है। तो गाइस अभी तो फिलहाल मैं आ गया था घर पे, एंड मैंने नहा लिया, बिकॉज कटिंग के बाद क्या होता है ना, जो बाल वगैरह उसे चिपक जाते हैं, तो फिर वो बेड वगैरह में या कहीं भी लगते हैं, और कल के लिए पैकिंग करते हैं सबसे पहले। तो अभी हमको क्या क्या काम करना है, पैकिंग करनी है फिलहाल, जो कल हम जा रहे हैं जहाँ, और मौसी के संग जा रहा हूँ मैं, तो कल पैकिंग करनी है उसकी, और अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि अभी हम डिनर में क्या बना है। सो गाइस ये देखो मम्मी, और आज क्या बन रहा है, मैं भी देखूँ ज़रा। छोले, ओह हो, छोले बने आज, और इसके साथ क्या होगा फिर, रोटियाँ, पूरी, क्या भटूरे, भटूरे, अरे वाह, छोले भटूरे बने आज घर पे, मतलब
दिल खुश कर दिया। तो भैया तो खाना आ चुका है, ये रहे भटूरे एंड ये रहे छोले और ये रहा प्याज। तब हम स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपको खाने के बाद। सो गाइस अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज आपने देखा मम्मी की व्लॉगिंग आपको पसंद आई है। और मम्मी मैंने अभी तक मुझे देख ही नहीं रखा कि मम्मी की व्लॉगिंग, मम्मी ने जो वीडियो शूट कर रखी है मैंने अभी तक देख भी नहीं रखी है। और अब मैं बस एडिटिंग करूँगा तभी देखूँगा, क्योंकि ये बहुत बिजी चल रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। दौड़ भाग वाली लाइफ हो गई बेचारे की, थक जाता है आजकल बहुत ज़्यादा। तो और इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि इसके चैनल को आप बहुत ज़्यादा प्यार दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियोस जो हम डालते हैं इन्हें पहुँचाओ। एंड कल हमको ट्रैवल करना, मतलब हमको क्या, मुझको ट्रैवल करना है कल मौसी लोगों के साथ। सो मैंने बैग वगैरह पैक कर दिया और हम कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको कल ही बताएंगे। और सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अम्मी 1 2 3